जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था, जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है, लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है, और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं, और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों के अधिकारों की आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो, तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ। अमीर से लेकर गरीब सभी लोग इस पर्व में खुशी से हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए तत्पर थे।